गणपति को बिठाने का व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एज पर यू, क्यों बिठाते हैं हम लोग गणपति को? यस, फर्स्ट एबिलिटी, यस, ये तो मूलाधार चक्र का लेसन है। और क्या रीजन है? यस इंडीड, इट इज अ रिलीजियस थिंग वी बीन फॉलोइंग, पर बेसिकली हम इस फेस्टिवल में क्या करते हैं, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेस्टिवल? We're coming together, all family members, society members, collectively doing some programs, yes, and communicating and even in touch with each other. Basically, वही है कि गणपति जो है ये हमारे मूल आधार के स्वामी हैं। तो इस समय जो है सभी लोग अपने मूल से कनेक्ट होते हैं। We all connect to our roots. सब लोगों को अपने गांव की याद आती है, अपने परिवार की याद आती है। और ये फेस्टिवल का पर्पस ही यही है कि यू हैव टू ब्रिंग योर फैमिली टुगेदर, यू हैव टू ब्रिंग योर कम्युनिटी टुगेदर, यू हैव टू ब्रिंग योर सिटी, योर पीपल टुगेदर। अगर वो माइंड में सिग्निफिकेंस ना रहे कि आपने घर में बस गणपति बिठा लिए और स्वयं ही पूजा कर ली, तो वो फेस्टिवल का महत्व नहीं रहा। सो जितना जितना हमारा एवोल्यूशन होता जाए, उतना उतना हम लोग अपने प्राइवेट घर में गणपति रखने से अच्छा है वी विल स्टार्ट कीपिंग गणपति मोर सार्वजनिक। जितना सार्वजनिक हो जाएगा, जितना हम लोग उसको पब्लिक में बिठाएंगे और सारे लोग मिलेंगे, जैसे आजकल मैं देखती हूँ, जैसे हमारी कॉलोनी में हमारे एरिया के बिल्डिंग के गणपति अलग है, इसके बिल्डिंग के अलग है, हर बिल्डिंग में अलग अलग गणपति, और उसके अलावा लोगों ने अपने अपने घरों में भी गणपति बिठाए। इस सिग्निफिकेंस का डोंट यू थिंक ज़्यादा मतलब होगा कि एक पूरी कॉलोनी का एटलीस्ट एक गणपति होना चाहिए, कॉलोनी के सारे लोग मिलकर गणपति बिठाएं, यस और नो? सो दिस इज अ फेस्टिवल विच विल कनेक्ट ऑल ऑफ अस दैट यस वी आर वन, एंड दिस इज द लेसन ऑफ द मूलाधार चक्र कि हम सब एक हैं। आज जब तक हमारे पास शक्ति ना हो कि हम सब एक हैं, एकता की शक्ति नहीं होगी ना, तो हम लोग काम नहीं कर सकते। टिल वी डोंट हैव अ रियलाइजेशन दैट वी आर नॉट अलोन, भगवान ने हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए अलग अलग लोग असाइन किए। आज एक्चुअली सोचो तो आपको केवल अपना ही काम करना है। आप जो कपड़े पहनते हो कोई और बना रहा है, आप जो खाना खा रहे हो कोई और उगा रहा है, आप जिस ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो उसको कोई और चला रहा है, आप जो बिजली का सेवन करते हो, जो भी चीज़ आप, जो भी जितनी भी चीज़ों का आप उपयोग करते हो, वो कोई ना कोई और कर रहा है, यस और नो? सो जितना जितना हम रियलाइज करेंगे कि वी आर नॉट अलोन, देर आर पीपल हु विल बी देयर टू हेल्प मी। आज जब आप बड़े बड़े कार्य सोचते हो करने के लिए, जैसे एक पर्सन सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, आज आपको यू वॉन्ट टू हैव अ बिग बिजनेस, यू वॉन्ट टू हैव सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब तक आपके अंदर ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि आई एम नॉट अलोन, आप उसको शुरू ही नहीं कर पाओगे। यस और नो? इट इज जस्ट अ रियलाइजेशन दैट मुझे तो केवल सोचना है, सहारा तो अपने आप आ ही जाएगा, द सपोर्ट, द पार्टनरशिप विल ऑटोमेटिकली हैपन, आई जस्ट हैव टू इनिशिएट। ये तो गणपति फेस्टिवल का है। फिर एक जो अभी जैनों का जो फेस्टिवल गया, जो उन्होंने पर्यूषण किया, तो उसके लास्ट में यू नो जो इनका एक डे होता है जिस दिन वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं, तो माफी मांगते समय वो क्या बोलते हैं? मिच्छामि दुखडो। तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लें, क्योंकि ये सारे जो हैं इतने ब्यूटीफुल यू नो फेस्टिवल्स हैं, इतने ब्यूटीफुल कस्टम्स हैं कि इनको सारे लोग अपनाएंगे तो नथिंग कैन बी मोर ब्यूटीफुल। बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को करनी चाहिए वो फेस्टिवल्स के द्वारा यू नो लोगों ने पहुँचाने की कोशिश की है। जैसे लोग एक दूसरे को ईद के समय एम्ब्रेस करते हैं, दिवाली और होली में अपने एल्डर्स के पैर छूते हैं, एल्डर्स उनको नेक देते हैं, तो ये सारे फेस्टिवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। और जब तक हम इसका मीनिंग नहीं समझेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट। तो
कल मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, मिच्छामी दुखड़म, बहुत सारे व्हाट्सएप थे. सो बेसिकली दैट गॉट मी थिंकिंग कि टुडे नो पीपल विल जस्ट फॉरवर्ड द मैसेज एंड दे एक्सपेक्ट यू टू फॉरगिव देम. उनको लगता है मेरा कार्य हो गया, मैंने तो माफी मांगी. सो आई एम वेरी मच, आई एम नॉट अ जैन, बट आई वेरी मच अंडरस्टैंड कि तुमने किसी का दिल भी दुखाया है और तुम आराम से जाके बोलोगे यार मिच्छामी दुखड़म बस, पर उस मीनिंग नहीं रहा. फिर माफी मांगना स्टिल सिंपल, वो तो एक वर्ड है सॉरी, पर माफी देना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. यस और नो? जाने अनजाने में हम लोग एक दूसरे का दिल दुखा देते हैं, जाने अनजाने में लोग हमारा दिल दुखा देते हैं, पर अंडरस्टैंड करो माफी मांगना तो बहुत ईजी है, माफी देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा. तो ये फेस्टिवल का तब सिग्निफिकेंस होता जब आप कंफर्म करते कि यस तूने मुझे माफ किया, तो अपने मुंह से बोल, मेरी आंखों में आंख तक देख के बोल, पुट योर आईज इन माय आईज एंड टेल मी दैट यू हैव फॉरगिवन मी. यस और सो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. तो व्हाट्सएप लोग बिल्कुल रेडीमेड कर देते हैं, इससे अपने हाथ से ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को लिख के बोलते हैं कि आई एग्री, मैं ये नहीं आ पाया इस ओकेजन पे, नहीं आ पाया मैंने आपके साथ ये किया, बट प्लीज अंडरस्टैंड मेरी खुद की मजबूरियाँ थी, खुद की वीकनेस थी, प्लीज फॉरगिव मी. तो वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है. यस सर, तो थोड़ा सा आप ये सोचो फॉरगिवनेस के बारे में. लेट अस थिंक अबाउट फॉरगिवनेस. ओके, फॉरगिव करने से क्या फायदा होता है और फॉरगिवनेस लेने से क्या फायदा? What happens when you cannot forgive a person? Today we are not talking about आपको किसी को, you know, किसी से forgiveness मांगी है. आपको किसी को forgive करना है. Yes, most of the people have problem that मैं माफ नहीं कर सकता. Yes or no? बहुत ज़्यादा issues हैं. अगर आप दिल में देखेंगे तो आपके अंदर grudges हैं, अपनी खुद की wife के against grudges हैं, उनकी माँ के अगेंस्ट ग्रजेस हैं, अपने इतने सारे रिलेटिव्स के अंदर ग्रजेस हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के अंदर ग्रजेस हैं, बट टुडे बिकॉज यू कांट टेल देम, या आपको लगता है बोल के कोई फायदा नहीं है, वो नहीं समझेगी, तो आपको ग्रजेस को नर्चर किए जा रहे हो और आपने अंदर ही रखा हो. पर वो ग्रजेस रखने का क्या नुकसान हो रहा है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दैट ग्रज? आई वांट टू नो. नंबर वन, यस, ग्रज रखने से हमें ही बहुत दर्द होता है. यस, और इट अफेक्ट्स योर हेल्थ क्योंकि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है. तो डेफिनेटली. और क्या होता है? यस, अनहैप्पीनेस होती है. आज आप कोई ग्रज रखते हो, आप ग्रज एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं रखते हो, उसके रिलेटेड सारे इंसिडेंट्स एंड सारे लोगों के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली वो ग्रज हो जाती है. एंड इन फैक्ट नॉट बीइंग एबल टू फॉरगिव मींस आई क्लोज माय डोर, नथिंग हियर नथिंग हियर, माय हार्ट इज क्लोज्ड फॉर यू एंड सिमिलर इंसिडेंट्स लाइक यू, इट इज लाइक. तो आज अगर आपके अंदर एक ग्रज हो गई जॉब के प्रति, आपको लगा कि मेरे बॉस ने मेरे से बहुत काम करवा लिया पर मुझे प्रॉपर प्रमोशन नहीं दिया, इट इज नॉट योर ग्रज अगेंस्ट दिस कंपनी, ऑटोमेटिकली इट इज योर ग्रज अगेंस्ट ऑल द जॉब्स. और आपका दिल बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, जिसमें आप कहते हो ना मैं प्यार करूंगा ना मैं कुछ लूंगा. और जब दिल बंद हो जाता है तो एज वी डिस्कस्ड यू हैव टू वर्क विद योर माइंड, विद योर नॉलेज. आपको अपने माइंड और बॉडी से ही काम करना पड़ता है, बुद्धि के दरवाजे बंद हो जाते हैं. यू कैन नॉट यूज बुद्धि, बुद्धि मींस यू कैन नॉट यूज यूनिवर्सल इंटेलिजेंस. व्हेन यू कैन नॉट यूज यूनिवर्सल इंटेलिजेंस यू कैन नॉट क्रिएट मिरेकल्स. आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना इच्छा डिजायर, वो ही बंद हो जाते हैं. आज दुनिया में जो भी मिरेकल्स होते हैं लाइफ, गेटिंग अ जॉब, गेटिंग दैट ड्रीम थिंग, it only happens because of buddhi. Buddhi is the shakti, it is the power.
माइंड एंड बॉडी तो बहुत लिमिटेड है, यस और नो? योर माइंड एंड योर बॉडी में बहुत लिमिटेड पावर, जो मेन पावर आपके अंदर है इज ओनली बिकॉज ऑफ द, और अगर आपने अपना हार्ट बंद कर दिया जॉब के लिए तो उसके रिलेटेड सारे जॉब्स के लिए आपका माइंड बंद हो जाता है, आपका हार्ट बंद हो जाता है, आपकी बुद्धि बंद हो जाती है। तो आज आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाएंगे आपका हार्ट बंद रहेगा ना, आप दिल लगाकर काम करेंगे ना आपको वहां से सपोर्ट मिलेगा। एंड यू बी सरप्राइज्ड, मैं नाराज तो एक कंपनी के साथ था, ये मेरा रिपीटेड क्यों हो रहा है? हर कंपनी में मेरी प्रमोशन रुक रही है, हर कंपनी में आई एम नॉट गिवन माय ड्यू बिकॉज यू हैव क्लोज योर डोर्स फॉर कंपनी। सिमिलरली आज अगर आपको कोई पर्सन हर्ट करता है, कोई भी सिचुएशन हर्ट करती है, आप अपने हार्ट के दरवाजे बंद कर देते हैं। सो इट कंटिन्यूज हैपनिंग वन आफ्टर द अदर। तो अदर देन जो नुकसान हमने बात की है, अदर देन द फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, अदर देन द पेन यू एक्सपीरियंस, अदर देन द ग्रीफ यू एक्सपीरियंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उस सिचुएशन के लिए जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आनी है वो ही बंद हो जाए। Isn't that very dangerous? Yes or no? फिर forgive कैसे करें, कैसे माफ करें? How to forgive? Do you think there is an easy formula to forgive? Let us talk about forgiveness. क्योंकि ये जो फेस्टिवल है मिच्छामी दुखड़ा, उसका रियल पर्पज तभी होगा जब हम माफी का मीनिंग समझें कि हम माफ क्यों नहीं कर पा रहे और माफी करना कितना जरूरी है। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू फॉरगिव अ पर्सन। इसके लिए अगर आप स्पिरिचुअली सोचो, आज आप यूनिवर्स को सोचो कि यूनिवर्स इज लाइक अ बॉडी, आपका खुद का शरीर, आपके खुद का जो शरीर है अगर वो यूनिवर्स है तो आपके शरीर के जो अलग अलग अंग है दे आर डिफरेंट पीपल। कोई पर्सन हाथ है, कोई पैर है, कोई आंख है, कोई मुंह है। आज एवरी सिंगल पर्सन इज अ बॉडी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल बॉडी। एवरी पर्सन इज अ बॉडी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल बॉडी। आज कोई भी बॉडी पार्ट अकेले काम नहीं कर सकता। आज पेट को खाना खाना है वो स्वयं खा नहीं सकता, उसको हाथ की जरूरत है जो उसके मुंह में खाना डाले। सो अंडरस्टैंड कि आपके हर बॉडी पार्ट को दूसरे की जरूरत है। आज पैर दुखता है तो उसको हाथ की जरूरत है दबाने की। आज आपको कोई एक्शन लेना है तो आपको माइंड की जरूरत है, माइंड बताएगा नॉलेज यूज करके योर हैंड्स एंड फीट विल वर्क। और एक्चुअली अंडरस्टैंड यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज एग्जैक्टली सेम, यही है, कोई डिफरेंट नहीं है। और आज आपको पता है जैसे अपने बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे अगर मान लो आपने एक कॉकरोच को देखा तो कॉकरोच को तो आंखों से देखा पर इमीडिएटली आपकी जो पैर हाथ सबको पता लग जाता है कि कॉकरोच है, इससे दूर रहो। आज अगर आपने कोई गरम गरम चीज को टच कर दिया, टच तो हाथ से किया पर क्या हुआ, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स को पता लग गया कि अगली बार ऐसी चीज पास में हो तो देखो कि बटन ऑफ है। सो टुडे अंडरस्टैंड दैट एवरी सिंगल बॉडी पार्ट इज ऑटोमैटिकली कम्युनिकेटिंग टू द अदर पार्ट्स। आप आंखों से भी देखोगे तो हाथ और पैर को पता लगेगा, पैर से भी टच करोगे तो हाथ को आंख को पता लगेगा। डोंट यू सी ये टेंडेंसी हम इंसान में भी है? आज आपको कोई भी नई चीज पता लगे एंड यू फील इट इज यूजफुल, डोंट यू थिंक आप इमीडिएटली जाकर अपने नियर एंड डियर वंस को बताते हो कि सुनो देखो उसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। आज आपको कोई भी चीज आपने देखी विच वॉज वेरी डेंजरस फॉर विच यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, आपका इमीडिएट इंस्टिंक्ट है कि आप जाके अपने फटाफट नियर एंड डियर वंस को बता दोगे सुनो ये कभी मत करना, थे इसके साथ ये हुआ, इसने ऐसा किया तो इसके साथ ये। Yes or no? Why today communication is becoming such an important need? आज हम कम्युनिकेशन के लिए कितनी मेहनत करते हैं।
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली न्यूज़पेपर, हमने कितना मोबाइल को भी चेंज कर लिया, कैसे हमने व्हाट्सएप, हम कॉन्स्टेंटली वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग अवर कम्युनिकेशन सिस्टम फास्टर एंड मोर इफेक्टिव, यस और नो? बिकॉज वी ऑल नो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जिंदगी में जितनी भी नॉलेज है, हार्डली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जो इंफॉर्मेशन है जो आपने स्वयं अर्जित की है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से ही आई है. सो अंडरस्टैंडिंग दिस, आप सोचो कि आपके जितने बॉडी पार्ट्स हैं, दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यस और नो? एंड डू यू नो दैट व्हाट कीप्स द बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? आज हाथ क्यों कम्युनिकेट कर पाता है आपको? आज दिल क्यों कम्युनिकेट कर पाता है बाकी बॉडी पार्ट्स को? आज दिमाग क्यों कम्युनिकेट करता है बाकी चीज़ों को? कान क्यों कम्युनिकेट करता है? जो चीज़ उनको हेल्प करती है ना कम्युनिकेट करने के लिए, इट इज द हार्ट, इट इज द लव. व्हाट कम्युनिकेट्स द बॉडी पार्ट्स विद ईच अदर एंड इन अ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, व्हाट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, पीपल टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर इज ओनली हार्ट. इट इज ओनली थ्रू हार्ट वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर. जब आप फॉरगिव नहीं कर सकते, आप हार्ट को बंद कर देते, आप कहते हो आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट, अब उससे नुकसान क्या होता है? ना वो आपको बता पाते हैं, ना आप उनको बता पाते. टुडे ऑल योर बॉडी पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बिकॉज देयर इज लव बिटवीन ईच ऑफ देम. बिकॉज देयर इज लव बिटवीन ईच ऑफ देम, आपकी बॉडी काम कर पाती. आज आपकी बॉडी को, सपोज आपको एक वजन उठाना है 200 किलो, आपका एक अकेला हाथ नहीं उठा सकता, उसके लिए आपका दूसरा हाथ भी लग जाता है, आपका ब्रेन भी लग जाता है हाउ टू डू इट, आपकी आंख लग जाती है, जरूरत पड़ी तो आप थोड़े पैर से भी पुश करते हो, यस और नो? एवरी बॉडी पार्ट पार्टिसिपेट्स टू डू व्हाट यू वांट. सो बेसिकली अंडरस्टैंड, सेम थिंग इज विद द यूनिवर्स. आज सेम चीज यूनिवर्स में, टुडे आपका दिल ओपन नहीं होगा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, एंड एज और टुगेदर वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प ईच अदर. सो कमिंग बैक टू फॉरगिवनेस, इसलिए फॉरगिवनेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉरगिवनेस अलाउज योर हार्ट टू बी ओपन एंड अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो वी रियलाइज कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, यस और नो? अब फॉरगिव क्यों नहीं कर पाओ? व्हाई यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव? बिकॉज नंबर वन, यू फील द पर्सन विल गो अवे विदाउट एनी पेनल्टी, यस और नो? एक तो आपको लगता है ऐसे कैसे माफ कर, ही विल गो विदाउट एनी पेनल्टी. बिकॉज जब आप फॉरगिव नहीं करना चाहते, क्यों? बिकॉज आपके अंदर इतना गुस्सा है, इतना एंगर है, इतना विक्टिमाइजेशन है, यू डोंट वॉन्ट टू लेट द पर्सन गो जब तक वो माफी ना मांगे, जब तक वो उतना सफर ना करे. You don't want to let the person go unless he changes, unless he apologizes, unless he suffers. You just don't want to let go easily. Yes, sir. That is why you hold on to not forgiving. The actual meaning of forgiveness is what? Forgiveness is basically aimed to give you peace. It doesn't matter about the person. Forgiveness say you will get peace. And what is the actual meaning of forgiveness? Actual meaning of forgiveness is taking the situation less personally, changing your grievance story, and finding the inner peace from the incident. The meaning of forgiveness is finding inner peace by not taking the situation very personally and changing the grievance story. That is the meaning of forgiveness. Because forgiveness se kya hota hai, aap liberate ho jate ho, aap wahan se nikal jate ho, we are able to fly, we are able to do what you want. Aaj jis person ne aapke sath kiya hai wo to badlega nahi, usne jo kuch bhi kiya hai, jaane mein kiya hai, anjaane mein kiya hai, galti se kiya hai, उसकी बदगोलियों से किया है, जानबूझ के किया है, यू आर नॉट कंसर्न.
लाइक यस्टरडे ओनली आई वाज काउंसलिंग अ लेडी जस्ट वेरी फ्रस्ट्रेटेड उसके मेरे सेशन हो रहा था सो शी टोल्ड मी दैट देयर वाज दिस गाय हु प्रॉमिस्ड हर टू मैरी हर शी हैड ऑलरेडी मैरिड हिम इन सीक्रेट फॉर 10 years 10 साल इन सीक्रेट और 11वें साल में वो कहता है प्लीज प्लीज लेट अस बिकम फ्रेंड्स आई कांट मैरी चल दोस्त बन जाते हैं आई कैन नॉट मैरी व्हाई बिकॉज ही हैड अ वाइफ एंड ही हैड चिल्ड्रन ही कुड नॉट लीव देम और उसने ये पूरे 10 साल में एक एक समय गुजारा था दैट कभी तो शादी करेगा कभी तो फ्री होगा और शादी करेगा शी हैड लेफ्ट हर एम्बिशंस शी हैड लेफ्ट हर यू नो ऑल हर डिजायर्स फॉर दिस रिलेशनशिप इन द होप दैट वन डे आई विल बी एबल टू लीड अ नॉर्मल सोशल सो शी केम टू मी आफ्टर ट्राइंग टू इवन कमिट सुसाइड एंड देन She came to me that what should I do? This man has ditched me. Now I feel that all these years, this man had been taking advantage of me. He was lying to me. He was cheating me. He was ditching me. And she was very, very upset. Yes? How to deal with such cases? How to deal? ये तो एक बहुत सीवियर केस था. और लाइफ में तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग हमें हर्ट कर देते हैं. उनको पता भी नहीं रहता कि उन्होंने हर्ट कर दिया है. पर वो जो पेन एंड ग्रीफ के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते सो देन यू नो आई टोल्ड दिस पीपल सबसे पहले यू नो इफ यू वांट टू फॉरगिव सबसे पहले व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फॉरगिविंग यस वी ऑल वांट टू नो हाउ टू फॉरगिव यस सबसे पहले यू शुड बी एबल टू क्लियरली टेल आप किस बात से अपसेट You should be able to clearly tell what is upsetting you about the whole situation. Agree that the person has left you. Agree that the company has removed you. Agree that the person has taken away a part of what you thought was yours. Agree that the person has not lived up to the expectations. But first be able to articulate what has hurt you. Okay? Be able to tell it aloud. और फिर आप रियलाइज करो कि आप जो बोल रहे हो ना उसमें कोई पुरानी बातें नहीं होनी चाहिए आई टोल्ड हर दैट द 10 इयर्स यू स्पेंड विद दिस पर्सन दे वर नॉट फ्रूटलेस दे वर वंडरफुल दैट मैन वाज वेरी जेन्युइन इन दोस 10 इयर्स वो सच था 10 साल में जो भी आपने समय गुजारा है जो भी उस आपने जो भी समय बिताया है उस कंपनी के साथ उस पर्सन के साथ जो पुराना समय था वो सच था वो गलत नहीं था इट वॉज सच विद दैट पर्सन विद दैट कंपनी विद दैट एनवायरनमेंट बाकी समय बिल्कुल सच था उसमें कोई झूठ नहीं था हर्ट आपको हो रहा है ये सिचुएशन बिकॉज वो चला गया बिकॉज उसने वो नहीं किया जो आप चाहते थे योर परसेप्शन ही डिड नॉट डू इट बट उसके कारण उसकी पुराना जो समय है उसको तो मत झुटलाओ पेन कब बड़ा होता है जब आप सब कुछ ऐड करके उसको 11 साल का पेन 11 साल का नहीं है वो कुछ दिनों का पेन तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड दिस पार्ट यू शुड बी एबल टू आर्टिकुलेट यू नो व्हाट इज दिस सेकंड वंस यू हैव अंडरस्टूड कि हाँ मुझे क्या चीज बुरी लग रही ओके देन यू नो यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव टू टेक इट लेस पर्सनल The person has not done to you specifically. The person must be having his own weakness. उसकी अपनी कमजोरियाँ, उसका अपना perception, उसका देखने का नजरिया, उसका उस समय के मौके की thinking process, उसके कारण ये चीज हुई। आपका जो hurt है, उसको ना future से relate करो, ना past से relate करो, उसको अभी के लिए। जब उसको अभी के लिए देखो और वो सोचो कि उस person ने जो कुछ भी किया है वो उसकी खुद की मजबूरियाँ वीकनेस एक्सेट्रा है इट हैज नथिंग टू डू विद जब आप वो चीज देखोगे उसके बाद ये सोचो द बेस्ट वे टू गेट बैक एट दैट पर्सन इज टू बिकम मोर सक्सेसफुल द बेस्ट वे टू गेट बैक इज नॉट टू मेक द पर्सन पावरफुल बाय सीइंग योर पेन बट The best way to get back is to become more powerful.
यू शुड नो दैट लाइफ डजंट एंड विद दैट, लाइफ डजंट एंड विद एनीथिंग. ये लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा पावरफुल है, इट डजंट एंड विद एनीथिंग. सो अंडरस्टैंड दैट उस सिचुएशन में देखो कि अब तो ये हो गया है. उसके लिए थर्ड स्टेप इज यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड इन टोटैलिटी. एक्सेप्टेंस, जब तक आपके मन में होप होगा बदल सकता है, वो वापस आ जाएगा, वो चीजों को बदल देगा. मेरी जो चीज खोई है वो वापस आ जाएगी. आप एक लूप में रहोगे, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट साइकिल. थर्ड स्टेप इज यू हैव टू टोटली एक्सेप्ट कि ये हो चुका है, अब वो नहीं आने वाला है, चीज नहीं बदलने वाली है. नथिंग इज गोइंग टू हैपन, इट हैज ऑलरेडी हैपन्ड. यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन टोटैलिटी. And after that, you have to not take it any personally. You don't have to take it personally. You have to, after you accept, you have to see, अब ये हो गया है, अब मैं आगे कैसे जाऊँ इससे. अब ये हो चुका, बस हो चुका. ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, बाकी की सिचुएशन भी ऐसी है. सोचो अब तो हो चुका है, कल जो है वापस आ नहीं सकता. फ्यूचर में देखा, फ्यूचर में देखा. If today I blame somebody for betraying me and I close my heart, I will keep on attracting other people also who will not suffer. And I can't afford that. So ye socho ki ab is situation se main aage hi ja sakti hu, piche nahi ja sakti. So once you know I can move forward, then start seeing how can I get my desires and my needs. How can I now डील विद द सिचुएशन विच इज इन फ्रंट ऑफ मी. आप जो जो मेरे पास हथियार हैं, जो जो मेरे पास टैलेंट्स हैं, जो जो मेरे पास, वट एवर द एनवायरमेंट आई एम इन टूडे, हाउ कैन आई यूज दैट टू गेट अहेड. बिकॉज द बेस्ट वे आई कैन गेट बैक इज टू बिकम मोर सक्सेसफुल. यस, आफ्टर दैट टेल योरसेल्फ, इट इज नॉट अबाउट वॉट वेन वाई बट इफ. क्योंकि पूरे टाइम आपका हार्ट कहेगा ऐसे क्यों नहीं किया, मैं तो रेडी थी, वैसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, इस तरीके से क्यों नहीं किया, उस तरीके से क्यों नहीं किया. हमारा दिमाग हमें 100 लॉजिक देता है, वाई नॉट लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऊपर से नीचे से. आप ये सोचो, इट डजेंट मैटर कैसे बोला. सपोज सम पर्सन बिट्रे, अब लोग बिट्रे कैसे करते, गायब हो जाते हैं, फोन करते रहो, ढूंढते रहो. अब वो लड़कियां मेरे पास आती है, मैम मुझे एक बार तो बोला होता, मैं तो भूल जाओ, एक बार बोला, दो बार बोला, प्रॉपर अग्रीमेंट के साथ बोला, बैंड बाजे के साथ बोला, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर. ये सोचो बोला, ये सोचो कि उसने किसी भी वे में कर ले की, एनी वे ही हैज कर ले, वॉट एवर वे ही फेल्ट बेस्ट. इट कुड बी रनिंग अवे, इट कुड बी ड्रॉपिंग एन SMS एंड चेंजिंग योर टेलीफोन नंबर. It could be any method he found fit. You cannot find it. कुछ नहीं कर सकते. उस पर गुस्सा हो गया, हार्ड मत होगा. उसको माफ करने का मतलब ये नहीं है कि he is going scot free. उसको माफ करने का मतलब है you are going scot free. तो उसको माफ करोगे आप लिबरेट होगे, वो नहीं होगा. You have to liberate yourself. You have to remind yourself it is very heroic to forgive. To earn is human, but to forgive is divine. You become God by forgiving. You become God. And I will tell you, forgiveness इतनी beautiful चीज है. आज अगर आपने अपने सबसे painful incident के related उस person को अगर माफ कर दिया, तो आप बाकी सब चीजों को तो easily माफ कर पाओगे. वो situation ही ऐसी life में कभी नहीं आएगी. It is one habit you need to learn. उसके बाद आप देखोगे कि मेरे पास सिचुएशन ही नहीं आ रही जिसको मुझे माफ कर. Because everything starts becoming favorable to you automatically. So remind yourself of the heroic choice to forgive. And then think, it is not about how I wanted the situation to materialize. It has happened and you have to accept it as a divine विल. जब आप एक्सेप्ट करोगे कि इट इज अ डिवाइन विल, होना था, कुदरत ने किया,
whatever reason he has done it, I accept it in totality. And once you accept it in totality, go into the compassion of forgiveness and say, I forgive. Just say, I forgive. मैंने माफ की, माफ की. मेरी खुशी के लिए, मेरे फ्रीडम के लिए, मेरे हार्ट के लिए, for the divine purpose, I forgive. Yes, you have to understand, वो हो गया है. That has happened. पर अगर आप माफ नहीं करोगे तो वो लॉस cannot be repaired. It cannot be repaired. That's why people are going in court to record that loss. But understand, yes, forgive का I told you, forgive doesn't mean let him go softly. Case लड़ो ना, case लड़ो. उल्टा अगर आप माफ करने के बाद जब केस लड़ोगे ना और भी अच्छा लड़ोगे, यू बी मोर पावरफुल. उसमें इमोशन भी नहीं होगी, आपको बुद्धि आएगी हाउ टू फाइट. इवन इफ इट इज अ डाइवोर्स केस, इवन इफ इट इज अ एम्बेजलमेंट केस, उसको माफ करो और फिर लड़ो. ओके, फॉरगिवनेस का मीनिंग आपने नहीं समझा है, बिकॉज यू थिंक फॉरगिवनेस मीन्स ठीक है भाई और कर, तुम और कर. नो, मैंने दिल से तुझे माफ किया, तेरी गलतियों के लिए मैंने तेरे को माफ किया. बट यस, व्हाट आई नीड टू डू, आई विल डू. फॉरगेटिंग विल नेवर हेल्प, यू कैन नॉट फॉरगेट. आपकी मेमोरी जो है ना, आपको पता है आप सबके सिर के ऊपर हाथी का सर, क्योंकि जो गणपति को आप प्रे कर रहे हो, यू आर द गणपति. एंड एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, यू कैन नेवर फॉरगेट, यू कैन फॉरगिव. फॉरगिवनेस इज फॉरगेटिंग, बट फॉरगेटिंग इज नॉट फॉरगिवनेस. मेनी टाइम्स यू नो टू रिमूव द पेन, पीपल से मैं तो दूर चला जाऊँ, दैट इज नॉट फॉरगिवनेस. सबसे पहले समझो कि फॉरगिवनेस का मीनिंग तो समझो. माँ बच्चे को माफ करना का मतलब ये नहीं है माफ रखो पर बच्चे को करेक्ट तो करो. आप सोचो कि करेक्ट करने का मीनिंग समझो ना. टुडे अ पेरेंट हैज टू डिसिप्लिन द चाइल्ड. टुडे एज अ कंपनी पर्सन यू हैव टू डिसिप्लिन योर एम्प्लॉइज. टुडे यू हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ धर्म. आपको सब कुछ वही करना है पर दिल में माफी करनी है ना. पेरेंट्स को बच्चों को माफ करना है क्योंकि बच्चे नादान है, बट दैट डजंट मीन यू लेट देम अवे विद देयर फॉलीज. व्हाटएवर दे डू रॉन्ग उनको करेक्ट करो, इफ दे डू रॉन्ग उनको पनिश करो, पर माफी के साथ. माफी का मीनिंग बस इन मिसअंडरस्टूड. माफ करने का मतलब है कि मेरे अंदर तेरे लिए कोई मैल नहीं है. Whatever I am doing, because it has to be done, it is a part of the dharma. आज अगर आपके मन में हो कि मैंने इतनी ड्यूटी की है गवर्नमेंट के लिए, मैंने इतने अपने लाइफ के वैल्यूबल ईयर्स गवर्नमेंट को दिए हैं और आई एम नॉट गेटिंग माई रिटर्न्स बिकॉज आई जस्ट लॉस्ट अ पेपर, तो इट इज़ पॉसिबल दैट द पर्सन इज सो हर्ट ही हैज क्लोज्ड हिज हार्ट. अब जब हार्ट क्लोज किया तो उसकी बुद्धि नहीं चल रही है, नहीं तो उसको इतने सारे रेफरल और डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से वो कलेक्ट करके प्रूफ दे सकता है कि आई वाज देयर. तो टू मेक योर बुद्धि वर्क यू हैव टू फॉरगिव. जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने लैंड ओनर के साथ झगड़ा चल रहा होता है, उनके कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, तो मैं आपको ये कहती हूँ, मैंने कहा सबसे पहले तो आप उसको डिफाइन मत करो. जो भी पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, आपके रेफरेंस में चीट किया है, फर्स्ट उसको डिफाइन मत करो कि वो पर्सन ऐसा है वैसा है चीटर है मैं उसको माफ नहीं कर सकता. व्हेन यू डू लाइक दैट आपकी बुद्धि वैसे ही क्लोज होगी. सबसे पहले उसको बोलो कि भाई मैं तेरे को माफ करता हूँ, तेरी बेवकूफी हो गई तेरे को माफ करता हूँ. बट देन आई विल गेट बैक व्हाट बिलोंग्स टू मी, आई विल बेस्ट पर्सन विन. बट ओपन योर हार्ट एंड डू इट, यू विल गेट ऑल द बुद्धि टू डू द you know, case problem. Okay? So basically, heart एक इतना important है, हमारा जो दिल है, it is so important that we should be able to open our heart. Heart open होगा तो हमारी desires fulfill होंगी. Desires क्यों fulfill होंगी? You have to understand, अगर heart connected ही नहीं होगा body के साथ, तो वो बॉडी के बाकी पार्ट से हेल्प कैसे मांग सकता है? आज आपकी कोई भी डिजायर क्या आइसोलेशन में है? आज आपकी कोई भी डिजायर है लाइफ में, इट इज इन्वॉल्विंग अदर पीपल ओनली. यस और नो, यू ईदर वांट अ ड्रीम जॉब और अ ड्रीम प्रमोशन और दैट काइंड ऑफ
well for that, those kind of customers? Yes or no? So every desire means you are asking the body for a help. और जब आप body से ही connected नहीं रहोगे तो आपका कौन सा desire fulfill हो पाएगा? So it is very very important to keep your heart chakra open. Heart chakra आपका खुला रहेगा तो everything will materialize. तभी तो योग होता है. योग के जो चार पाथ होते हैं, धर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग. और भक्ति योग में क्या करते हैं? बस हार्ट पे ही फोकस करते हैं. इतना लव 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 पे फोकस करते हैं कि आपका हार्ट खुल जाता है और चीज़ें ऑटोमेटिकली मटेरियलाइज होने लग जाती है. आपको जो ज्ञान है, आपको जो बुद्धि है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है. इफ यू गो इन भक्ति, इफ यू गो इन कर्म योग, आप अपने काम को इतना लव करते हैं, आपका काम ही आपका गॉड हो जाता है, आपकी काम ही आपकी वर्शिप हो जाती है. तो जब आप अपने वर्क को ही इतना लव करते हो, जैसे मदर टेरेसा ने अपना वर्क को लव किया था. मदर टेरेसा के सारे स्पीचेस है, दे आर जस्ट फुल ऑफ लव लव. नेल्सन मंडेला को देखो, इतना लव था कि इतने साल जेल में रहे. सो टुडे इफ यू लव योर वर्क सो मच, अगेन इट इज कंसंट्रेटिंग ऑन भक्ति योग हो, आपका कर्म योग हो. ध्यान योग में भी क्या करते हैं? वही करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी नेगेटिविटी आती है उसको फोकस जो है उसको निकाल देते हैं. यू फोकस ऑन टोटली नथिंगनेस. ध्यान योग में नथिंगनेस पे फोकस करते हैं. सो अंडरस्टैंड कि कोई भी योग होगा उसमें हार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि फाइनली आपको हार्ट चक्र को ओपन करना है.